अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फैमिली कैसे हो आप लोग? हमने देखा आपने बहुत प्यार दिखाया है मोमोज की रेसिपी पे, पर मुझे लगता है भूल गए लाइक का बटन दबाने और सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि हमारी नई नई रेसिपी आपको मिले। आज हम बनाने वाले हैं मोनाको दाबेली और भाकरी दाबेली। जो लोग मोनाको नहीं खाते वो लोग भाकरी यूज कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग रेसिपी, बहुत फटाफट बन जाती है, बहुत टेस्टी भी रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम दाबेली के लिए दाबेली का पूरन बनाएंगे तो हमने एक पैन लिया है। पैन में हम 2 स्पून ऑयल डालेंगे। हाँ, आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर थोड़ा ऑयल इसलिए होना चाहिए सो दैट केले अच्छे से मैश हो और अच्छे से फ्लेवरफुल रहे, क्योंकि थोड़ा ऑयल होना ज़रूरी होता है। हमने 5 कच्चे केले लिया और हम इसमें डालेंगे लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया। हम देख रहे कि वो तरतर होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग 1/2 चम्मच जितना हमने ऐड किया है और अब हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे थोड़ा सा और जीरे को थोड़ा सा और तड़तड़ होने देंगे। केला, कच्चा केला हमने ऑलरेडी बाफ दिए थे, मतलब सीटी बजा के हमने 5 कच्चे केले लिए थे, उसको हमने 3-4 सीटी बजा दी और कच्चे केले पूरे बाफ हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। अब हम इसको ऐसे स्मैश कर रहे हैं और इतने अच्छे से स्मैश करिए कि ये पूरा अच्छे से एक बड़ा बड़ा टुकड़ा ना रहे, क्योंकि वो मुंह में नहीं आना चाहिए। और अच्छे से मैश करो। अब हम एक बोल से थोड़ा कम मीठा चटनी लेंगे। यस, मीठा चटनी 1 बोल से थोड़ा कम। आप देख सकते हो कि कितना हमने छोड़ दिया। अब हम ऐड करेंगे तीखा सिंग। तीखा सिंग आपको जितना टेस्ट में चाहिए उतना ही। अब हम ऐड करेंगे पोमोग्रेनेट एज पर टेस्ट। अगर आपको पोमोग्रेनेट नहीं चाहिए तो आप उसे ऑप्शनल है, आप उसे छोड़ भी सकते हो। ये कंपनी का दाबेली का मसाला यूज़ करता है। अगर आपके पास कोई और कंपनी का है तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड फाइन। हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और इसमें ऑलमोस्ट सब मसाले होते हैं। ये इतने स्टिफ रहते हैं, हमें इसे डाइल्यूट करना होता है। हम पहले इसे इतना क्वान्टिटी में निकालेंगे और अब हम इसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए हमें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, तो हम वो ऑलरेडी कैटल में कर चुके हैं और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और आप देखिए इसका ऐसे कंसिस्टेंसी, हमें इतना पतला करना है सो दैट हम उसे कच्चे केले के साथ अच्छे से मिक्स कर सकें और हमें एक्स्ट्रा वाटर डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो मसाला मिक्स कर रहा है इसके अंदर। इसमें ऑलरेडी ये पाउडर इसलिए लिया जाता है कि इसमें ऑलरेडी मिर्ची, नमक, हींग ऑलरेडी होता है, तो आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मसाले पर। हाँ, हमें ज़रा सा इससे स्पाइसी चाहिए रहता है और फ्लेवरफुल होना चाहिए हमारा ये मिक्सचर। इसे हम ऊपर से थोड़ा सा मसाला और करेंगे पर जनरलाइज ये मसाला डालने के बाद इतना मसाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप ना जो भी क्वांटिटी में हम अभी मसाला डालेंगे आप उसका थोड़ा सा डबल करके डालना एज़ पर योर टेस्ट और आपको यही सेम फाइन कलर मिल जाएगा। जीरा है, धनिया पाउडर कहते हैं, 1 स्पून हम मिर्ची डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और नमक एज पर टेस्ट। अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। रेडी है, देखा कितना फास्ट है। हाँ, हमें सिर्फ कच्चे केले को पहले बॉईल करके रखना है, बाकी ये मिक्सचर बनाने को हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगता है। बिस्किट लिया है, हम मोनाको बिस्किट को चटनी के साथ ऐसे सिर्फ थोड़ा सा जितना बटर लगाते हैं वैसे हमें चटनी लगानी है, इतना ज़्यादा नहीं। ये चटनी हमने मिर्ची और दालिया की बनाई है और कैप्सिकम की बनाई है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि धनिया की चटनी है। हम चटनी का रेसिपी जल्दी लेके आएंगे। अब हमें ये पूरन जो हमने बनाया है हमें इसे ऐसे प्लेस करना है। चटनी इज़ ऑप्शनल, किन किन को स्पाइसी चाहिए तो आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हो, तो आपको मिर्ची की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा ऐसे रेडी है। अब हम इसे ऐसे टॉप कर देंगे। ये टॉप करने के बाद इसे ऐसे सेव में रोल कर देंगे।
देख रहे हो कितना इजी प्रोसेस है, और ये आपका मोने का दावेली रेडी। देखिए भाकरी पे कैसे करना है, भाकरी पे भी सेम हमें चटनी को ऐसे टॉप करना है। ये भाकरी हमने पहले से ही बना के रखी थी, थोड़ी कड़क बनाई थी, नरम नहीं बनाना है हमें भाकरी को, एकदम बिस्किट की तरह कड़क करना है। और यस हाँ, अगर आपको ना अपनी चटनी बहुत स्पाइसी करनी है तो आप लविंग भी यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर पकड़ता है। अब हम इसे भी ऐसे प्लेस कर देंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा पूरन भरना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप भाकरी दाबेली बना रहे हो तो आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाकरी की, क्योंकि एक दो भाकरी इज मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन टू कंप्लीट द मील। ये हो गया हमारा, अब हम इसे ऐसे ढक देंगे, ऐसे प्रेस करेंगे सो दैट पूरन बाहर आ जाए। सेम हमें ऐसे ऐसे ही सेव को डाल देना है ऊपर ऊपर से, और रोल भी करते जाना है, और ये हमारा भाकरी दाबेली रेडी। देखा कितना सिंपल और कितना इजी है, एग्जैक्टली ये ही है हमारी भाकरी दाबेली और मोने का दाबेली। अब हम सब बना देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। तो मेरे मोने को दाबेली रेडी है, आप लोग भी ट्राई करें हमें बताएं। पहले मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसे। इट इज सो डैम टेस्टी, खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट। इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर एंड बेस्ट वर्जन हाउ आई वांटेड द स्पाइसीनेस। अगर आपको कम स्पाइसेस है कम दें। हम भाकरी दाबेली ट्राई करते हैं। आई एम लविंग इट। आप हमें बता रहे कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।